खेती पर निबंध, कृषि पर निबंध, प्रस्तावना। आजादी के समय भारत में कृषि पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी। कृषि में लागू सदियों पुरानी और पारंपरिक तकनीकों के उपयोग के कारण उत्पादकता बहुत खराब थी। वर्तमान समय की बात करें तो कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों की मात्रा भी अत्यंत कम है। अपनी कम उत्पादकता के कारण कृषि भारतीय किसानों के लिए केवल जीवन निर्वाह का प्रबंधन कर सकती है और कृषि का व्यवसायीकरण कम होने के कारण आज भी कई देशों से हमारा देश कृषि के मामले में पीछे है। कृषि क्या है? खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व कृषि पर ही आश्रित है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन का निर्माण कृषि के द्वारा ही संभव होता है। कृषि में फसल उगाने या पशुओं को पालने की प्रथा का वर्णन है। किसान के रूप में काम करने वाला कोई व्यक्ति कृषि उद्योग में है। कृषि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर, जिसका शाब्दिक अर्थ है एग्री अर्थात क्षेत्र, कल्चर अर्थात खेती है। भूमि का एक टुकड़ा या रोपण और उस पर खाद्य पौधों को उगाना काफी हद तक कृषि का तात्पर्य है। भारतीय कृषि की विशेषताएं। आजीविका का स्रोत। हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यह कुल आबादी की लगभग 61% व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय आय में करीबन 25% का योगदान देती है। मानसून पर निर्भरता। हमारी भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छा आया तो कृषि अच्छी होती है, अन्यथा नहीं। श्रम गहन खेती। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर दबाव बढ़ गया है। भूमि जोत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उप विभाजित हो जाते हैं। ऐसे खेतों पर मशीनरी और उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बेरोजगारी। पर्याप्त सिंचाई साधनों के अभाव में और अपर्याप्त वर्षा के कारण किसान वर्ष के कुछ महीने ही कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिस कारण बाकी समय तो खाली ही रहते हैं। इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। जोत का छोटा आकार। बड़े पैमाने पर उप विभाजन और जोत के विखंडन के कारण भूमि के जोत का आकार काफी छोटा हो जाता है। छोटे जोत आकार के कारण उच्च स्तर की खेती करना मुमकिन नहीं होता है। उत्पादन के पारंपरिक तरीके। हमारे देश में पारंपरिक खेती का चलन है। केवल खेती ही नहीं, अपितु इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी पुरातन एवं पारंपरिक है, जिससे उन्नत खेती नहीं हो पाती। कम कृषि उत्पादन। भारत में कृषि उत्पादन कम है। भारत में गेहूं प्रति हेक्टेयर लगभग 27 क्विंटल का उत्पादन होता है। फ्रांस में 71.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ब्रिटेन में 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। एक कृषि मजदूर की औसत वार्षिक उत्पादकता भारत में $162, नॉर्वे में $973 और यूएसए में $2,408 आकी गई है। खाद्य फसलों का प्रभुत्व। खेती किए गए क्षेत्र का करीब 75% गेहूं, चावल और बाजरा जैसे खाद्य फसलों के अधीन है, जबकि लगभग 25% खेती क्षेत्र वाणिज्यिक फसलों के तहत है। यह प्रक्रिया पिछड़ी कृषि के कारण है। कृषि के प्रकार। कृषि दुनिया में सबसे व्यापक गतिविधियों में से एक है, लेकिन यह हर जगह एक समान नहीं है। दुनिया भर में कृषि के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पशुपालन। खेती की इस प्रणाली के तहत पशुओं को पालने पर बड़ा जोर दिया जाता है। खानाबदोश झुंड के विपरीत किसान एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं। वाणिज्यिक वृक्षारोपण। यद्यपि एक छोटे से क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की खेती इसके वाणिज्यिक मूल्य के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह की खेती के प्रमुख उत्पाद उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल फसलें हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर और ताड़ के तेल। इस प्रकार की खेती एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में विकसित हुई है। भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन कृषि। आमतौर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीहड़ इलाकों में विशिष्ट पशुधन और फसल संयोजन होते हैं। गेहूं और खट्टे फल प्रमुख फसलें हैं और छोटे जानवर क्षेत्र में पाले जाने वाले प्रमुख पशुधन है। अल्प विकसित गतिहीन जुताई। यह कृषि का एक निर्वाह प्रकार है और यह बाकी प्रकारों से भिन्न है, क्योंकि भूमि के एक ही भूखंड की खेती साल दर साल लगातार की जाती है। अनाज की फसलों के अलावा कुछ पेड़ की फसलें जैसे रबर का पेड़ आदि इस प्रणाली का उपयोग करके उगाया जाता है।
दूध उत्पादन, बाजार के समीपता मार्केट प्रॉक्सिमिटी और समशीतोष्ण जलवायु टेम्परेट क्लाइमेट दो अनुकूल कारक है जो इस प्रकार की खेती के विकास के लिए जिम्मेदार है। डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों ने इस प्रकार की खेती का अधिकतम विकास किया है। झूम खेती। इस प्रकार की कृषि आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई जाती है। अनाज की फसलों पर प्रमुख जोर दिया जाता है। पर्यावरणविदों एनवायरमेंटलिस्ट के दबाव के कारण इस प्रकार की खेती में कमी आ रही है। वाणिज्यिक अनाज की खेती। इस प्रकार की खेती खेत मशीनीकरण के लिए एक प्रतिक्रिया है और कम वर्षा और आबादी वाले क्षेत्रों में प्रमुख प्रकार की खेती है। ये फसलें मौसम की मार और सूखे की वजह से होती है। पशुधन और अनाज की खेती। इस प्रकार की कृषि को आमतौर पर मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है और एशिया को छोड़कर मध्य अक्षांशों मिड लैटिट्यूड्स के नम क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसका विकास बाजार सुविधाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है और यह आमतौर पर यूरोपीय प्रकार की खेती है। उपसंहार। कृषि और व्यवसाय दो अलग अलग धुरी है लेकिन परस्पर संबंधित एवं एक दूसरे के पूरक है, जिसमें कृषि संसाधनों के उपयोग से लेकर कटाई, कृषि उपज के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और विपणन, मार्केटिंग तक उत्पादन का संगठन और प्रबंधन शामिल है।